हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल एनवायरनमेंट बाय आरती। सो ये जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में, जो रिसेंटली राज्यसभा में पास हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो बिल है वो राज्यसभा में अभी 5-6 दिन पहले, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो पास किया गया था। बिल के पास करने का ये मकसद था, या जो अमेंडमेंट्स हैं उसको लाने का ये मकसद जो था वो ये था कि जो साइट्स है, ठीक है, साइट्स एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसके अंडर कुछ स्पेसिमेंस यानी कि फ्लोरा एंड फौना या प्लांट्स और एनिमल के स्पीशीज, उनको रखा गया है जिनके ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया एक मेंबर है, या आप कह सकते हैं इंडिया एक पार्टी है साइट्स की, तो उनके लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि जो भी स्पेसिमेंस लिस्टेड हैं साइट्स में उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, उसका जो अमेंडमेंट बिल है लाया गया, जिसमें कि जो स्पीशीज़ हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए स्पीशीज़ हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया जो साइट्स में मेंशन थे। ठीक है, इससे पहले जो बिल है उसको लोकसभा में पास किया गया अगस्त 2, 2022 में। ठीक है, कि जो स्पीशीज़ हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर द लॉ। अब बात करते हैं जो भी अमेंडमेंट्स यहाँ पे प्रपोज़ की गई हैं, जो भी चेंजेस यहाँ पे प्रपोज़ की गई हैं, प्रोविजंस जो रखे गए हुए हैं इस बिल में। तो सबसे पहले तो बात की गई कि जो भी साइट्स में अपेंडिसेस हैं, जैसे कि साइट्स में आपको पता होगा या मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि साइट्स के 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। ठीक है, तो इन अपेंडिसेस में जो भी स्पेसिमेंस लिस्टेड हैं उनको इंक्लूड करने के लिए एक नया स्केड्यूल बनाया जाए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बात की गई कि एक स्टैंडिंग कमेटी की फॉर्मेशन की जाए। ठीक है, कि जो भी स्टेट बोर्ड है वाइल्ड लाइफ का, जो स्टेट बोर्ड है वो अपनी जो पावर्स हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं, उनको अच्छे से एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, जैसे कंजर्वेशन के लिए जो भी वो स्टेप्स उठा रहे हैं, तो वो एक स्टैंडिंग कमेटी की फॉर्मेशन करे, जिससे कि वो जो स्टेप्स हैं, जो वो जो एक्शंस हैं, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अब उसके बाद बात की गई यहाँ पे, एक और प्रोविज़न यहाँ पे लाया गया कि जो एलिफेंट्स हैं, ठीक है, जो Schedule 1 में इंक्लूडेड हैं, स्केड्यूल्स के बारे में बाद में बात करूँगी जब मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो जो इस वक्त कहाँ पे है, जो एलिफेंट जो है वो Schedule 1 में इंक्लूडेड है। ठीक है, उन्होंने ये बात कही कि इस जो एनिमल को है, एलिफेंट को है, रिलीजियस और बाकी जो पर्पसेस हैं उसके लिए यूज़ करने की परमिशन दी जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस जो अमेंडमेंट है, ये जो अमेंडमेंट है इसमें एम्पावर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बना सकते हैं, जिसमें कि जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट है स्पेसिमेंस का ट्रेड के लिए, उनकी ग्रांट आसानी से मिल सके। ठीक है, एक मीडिएटर की तरह इन्होंने एक मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो बनाने की बात की है, कि डायरेक्टली अगर हम किसी स्पेसिमेन को ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए परमिशन यहाँ से दी जा सके। ठीक है, अब ये जो अथॉरिटी है ये क्या करेंगी, ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देंगी हर एक स्पेसिमेन को। ठीक है, अगर किसी स्पेसिमेन की हम बात कर रहे हैं कि इसका हमने ट्रेड करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाएगा, और उस आइडेंटिफिकेशन मार्क को आप मॉडिफाई या रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर किसी एरिया में प्लांट्स का कुछ सर्वे होता है, ठीक है, कोई एक प्लांट का स्पीशीज है जिसके बारे में सर्वे हो रहा है, तो उस प्लांट का या उस ट्री पे एक मार्क लगाया जाता है, या आप कह सकते हैं उसकी नंबरिंग की जाती है। ठीक है, उस पे वो नंबर्स लिखे जाते हैं, तो आप उसको काट नहीं सकते। अगर आप, मतलब कोई इंसान वहाँ पे जाके उसको काट लेता है,
तो वो वहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे इलीगल जो है वो कटिंग हुई है प्लांट की, ठीक है। तो इसी तरह का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करेंगी किसको, स्पेसिमेंस को। नेक्स्ट बात करें तो ये तो हुई मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और पावर दी गई है इस जो अमेंडमेंट बिल के अंडर, कि वो एक साइंटिफिक अथॉरिटी जो है वो बना सकते हैं, जिस जो क्या करेगी, साइंटिफिक अथॉरिटी का काम क्या होगा इसमें, कि वो आपको एडवाइस करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी कि जो आप स्पेसिमेन ट्रेड कर रहे हैं, जो भी प्लांट या एनिमल आप ट्रेड कर रहे हैं, उस पर कोई सर्वाइवल का इम्पैक्ट तो नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, उसकी पॉपुलेशन को कोई रिस्क तो नहीं है, या उसके सर्वाइवल को थ्रेट तो नहीं है अगर हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोविज़न को रखने का ये मतलब था कि हम सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इंश्योर कर सके, कि जो भी प्लांट या एनिमल हम ट्रेड कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम नहीं है, ठीक है, पहले तो कम नहीं है, दूसरा उनकी एक्सप्लॉयटेशन हम सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं कि उन पे उनकी जो आने वाली पॉपुलेशन है वो कम ना हो, या उन पे कोई नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो ना पड़े, ठीक है। और इसमें बात की गई सेंचुरीज़ को जो कंट्रोल करना है उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, सेंचुरीज़ के कंट्रोल को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ कही गई, जो चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन्स हैं, ठीक है, जो सेंचुरीज़ वाइल्डलाइफ सेंचुरीज़ को जो ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, या उनको कंज़र्व करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको जो मैनेजमेंट प्लान्स हैं सेंचुरी के लिए वो उस तरीके से बनाने हैं कि जो सेंट्रल गाइडलाइंस में उनको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मैनेजमेंट प्लान्स यहाँ पे बनाने हैं सेंचुरीज़ के लिए, ठीक है, उस तरह से उनको सेंचुरीज़ को मैनेज करना है। उसके बाद बात की गई कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, जो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ के एडजॉइनिंग जो भी एरियाज़ हैं, ठीक है, जो नेशनल पार्क्स और कंजर्वेशन सॉरी नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ के जो आगे पीछे जो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो बफर जोन्स होते हैं या जो ट्रांजिशन जोन्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उनको वो डिक्लेयर कर सकते हैं कंजर्वेशन रिज़र्व, ठीक है, कि वहाँ की जो फ्लोरा है फौना है या उनका हैबिटेट है वो प्रोटेक्ट हो सके। उसके बाद जो बिल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी पावर देता है कि वो जो इम्पोर्ट है या ट्रेड है किसी भी इन्वेजिव प्लांट का या एनिमल एलियन स्पीशीज़ का, उसको वो रेगुलेट कर सकते हैं या प्रोहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जो इन्वेजिव प्लांट या एनिमल एलियन स्पीशीज़ हैं वो ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जैसे कि कोई भी एक प्लांट है वो किसी दूसरे स्पीशीज़ में या ग्रेन्स में सीड्स में मिलकर इंपोर्ट्स में आ गया, ठीक है, जैसे अगर हम फॉरेन से कोई एक वीट मंगवाते हैं, ठीक है, उसमें एक ऐसा वीड है जो वहाँ से जो उस जो फॉरेन कंट्री का नेटिव है, ठीक है, वो इंडिया में नहीं पाया जाता था लेकिन वो वीट के साथ, वीट के जो सीड्स हैं या ग्रेन्स हैं उसके साथ वो आ गया, ठीक है, अब वो यहाँ आके ग्रो होने लगा और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से यहाँ के जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती गई, तो उनको हम बोलते हैं इन्वेजिव प्लांट्स, ठीक है। या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल स्पीशीज़ ऐसे हैं जो नेटिव एनिमल स्पीशीज़ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम एनिमल एलियन स्पीशीज़ बोलेंगे। उसके बाद बात की गई कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो लाइव स्पेसिमेंस या प्लांट्स या एनिमल्स जो भी हैं, जो स्केड्यूल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो स्केड्यूल्स हैं 1 to 6, अगर उसमें से कोई एनिमल उनके पास है, ठीक है,
तो उनको उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ऑब्टेन करना है मैनेजमेंट अथॉरिटी से, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो जो वहाँ के लोग हैं या जिन्होंने कोई भी एनिमल कैप्चर किया हुआ है तो वो वॉलेंट्रली उसको सरेंडर कर सकते हैं उस एनिमल को। मान लो कि किसी ने एक वाइल्ड एलिफेंट पकड़ लिया है, ठीक है, और वो उनके पास कैप्टिविटी में है, तो वो वॉलेंट्रली उस एनिमल को सरेंडर कर सकते हैं। और फिर जब वो सरेंडर कर देंगे, वो जो एनिमल है वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मतलब माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेनल्टीज़ की भी जो इन्हेंसमेंट हुई है, मतलब जब आप वायलेशंस करते हैं, जब आप लॉस के खिलाफ काम करते हैं तो आपको पेनल्टीज़ पड़ेंगी, ठीक है, आपको सज़ा मिलेगी। तो ये जो पेनल्टीज़ हैं इनको बढ़ाया गया। अगर आप जनरल वायलेशन की बात करें तो फाइन जो है वो इंक्रीज़ हुआ फ्रॉम 25 टू रुपीज़ 1 लाख, सॉरी ये 25,000 है, 25,000 से ये फाइन जो है वो इंक्रीज़ हो गया 1 लाख तक, ठीक है। अब स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए जो फाइन है मिनिमम फाइन वो इंक्रीज़ हुआ कितना, 10,000 से 25,000, ठीक है। अब ये तो ही जो अमेंडमेंट एक्ट है या अमेंडमेंट बिल है, वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल 2022 में जो भी प्रोविजन थे, जो भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी उनके बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो था वो बनाया गया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स प्लांट्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो इस एक्ट में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की हंटिंग है उसको प्रोहिबिट किया गया, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया कि अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो परमिट करता है, अगर ऐसा कोई एनिमल है जो स्केड्यूल 1 से स्केड्यूल 2 स्केड्यूल 3 में है लेकिन वो जो ह्यूमन की लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए थ्रेट बन चुका है तो उसको वो परमिशन दे सकते हैं हंट करने की, ठीक है, उनको मारने की वो परमिशन दे सकता है। कौन दे सकता है? वो सिर्फ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है, अगर उनको लगे कि ये एनिमल थ्रेट है। क्रॉप्स के लिए भी सेम है, अगर वो क्रॉप्स के लिए भी थ्रेट है तो वो परमिशन दे सकते हैं कि आप इस एनिमल को हंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा एनिमल है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो रखी गई कि जो स्केड्यूल्स एनिमल्स हैं, ठीक है, स्केड्यूल जो स्केड्यूल्स हैं 1 to 6 उसमें जो भी एनिमल्स हैं उनको ट्रेड से प्रोहिबिट किया जाए। स्केड्यूल 1, 2 और 3 में जो एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं तो उनकी ट्रेड जो है वो प्रोहिबिटेड है। उसके बाद इस एक्ट में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आप लाइसेंसेस ले सकते हैं किसके लिए, कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज होते हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं, जिनकी जिनका आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, या जिनको आप पोजेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्पेसिफाइड प्लांट्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जो इस लिस्ट में स्केड्यूल्स में स्पेसिफाई किए गए हैं जिनको आप जो कट है या आप उनको काट नहीं सकते, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है, उनकी कटिंग प्रोहिबिटेड है आप, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ठीक है, वो परमिशन ग्रांट कर सकता है इनकी अपरूटिंग के लिए या कलेक्शन के लिए, अगर वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए हो या साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो या आप कोई हर्बेरियम के लिए उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अप्रूव करे इनके कलेक्शन या कटिंग के लिए, ठीक है। अब इस एक्ट के अंडर कुछ अथॉरिटीज़ भी अपॉइंट हुई, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, और ऐसे ही कुछ ऑफिसर्स जो अपॉइंट करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, ठीक है, इनको भी कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट।
अब इस एक्ट के अंडर कुछ बोर्ड्स की फॉर्मेशन हुई। सबसे पहले तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है, इनका ये काम है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे जो भी इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिलेटेड इश्यूज होंगे, ठीक है। और ये जो भी मैटर्स होंगे जैसे कि वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, नेशनल पार्क्स के रिलेटेड, सेंचुरीज के रिलेटेड, तो इनका ये काम है कि ये अपेक्स बॉडी है जो इन मैटर्स को रिव्यू करेगी, ठीक है। अब इनका चीफ फंक्शन क्या है कि इनको कंजर्वेशन को प्रमोट करना है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं या फॉरेस्ट हैं, उनकी डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना है। ये जो बोर्ड है इसको जो चेयर करते हैं या जो इनके चेयरपर्सन हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है इसके चेयरपर्सन हैं चीफ मिनिस्टर, अगर स्टेट है तो चीफ मिनिस्टर, अगर यूटी है तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, एलजी भी हो सकते हैं, गवर्नर भी हो सकते हैं। तो जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे। अब इस जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं, ठीक है। इनका क्या काम है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इश्यूज़ के रिलेटेड एडवाइस करेंगी, जैसे कि अगर इनको कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर करना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि इस एरिया को हमें सिलेक्ट किया है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और ही पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन भी करते हैं रिलेटेड टू प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। उसके बाद ये उन मैटर्स पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं जिनमें कि किसी भी स्केड्यूल में अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद इनका ये भी काम है, अगर इनको ऐसा लगता है कि वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, उनके साथ हार्मनी बनानी है या उनके साथ जो मिलके काम करना है कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट की, तो इनको मेजर्स जो हैं, जो भी मेजर्स ये लेना चाहते हैं, इनको एडवाइस करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद बाकी जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, उसके रिलेटेड भी ये किसको रेफर करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद फॉर्मेशन यहाँ पे की गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी की, ठीक है, जो इंडिया के जितने भी जूज हैं उनको रेगुलेट करते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1992 में और इसके 10 मेंबर्स होते हैं जिसमें एक चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी होता है। और जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसकी भी फॉर्मेशन हुई। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च हुआ था 1973 में, कि जो हमारी कंट्री में एंडेंजर्ड टाइगर है, क्योंकि एक टाइम था जब टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही थी। आज के टाइम पे भी पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो कम है, ठीक है, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था। तो इसीलिए जो टाइगर टास्क फोर्स थी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर, इन्होंने रिकमेंड किया कि ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो बनाया जाए, ठीक है। इसीलिए इसकी फॉर्मेशन हुई 2005 में, कि जो टाइगर कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन है स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसी भी एरिया को अगर डिक्लेयर करना चाहती है टाइगर रिजर्व, तो वो रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस एरिया को डिक्लेयर करती है टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब एट प्रेजेंट इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं एज ऑफ अगस्त 2022। इस एक्ट के अंदर एक और चीज़ यहाँ पे जो प्रोविज़न है वो रखा गया कि आप जो स्टेट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं सेंचुरी और नेशनल पार्क, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है
वो अपना इंटेंशन डिक्लेयर कर सकती है कि किसी भी एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर करना है, कि अगर वहाँ का जो इकोलॉजिकल जो फ्लोरा है, फौना है, जियोमॉर्फोलॉजी है, नेचुरल और जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, वो अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको वो अपना इंटेंशन जो है वो रख सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि हमें इस एरिया को डेवलप करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिक्लेयर करती है किसी भी एरिया को सेंचुरी, उसके बाद वो सेंचुरी वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक कलेक्टर अपॉइंट करते हैं जो कि क्या करता है, वहाँ की जो सेंचुरी है उसको एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। सिमिलरली जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी इंटेंशन शो करते हैं कि हमें इस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद इस एक्ट के अंदर कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो इंक्लूड किए गए, जैसे कि कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पहले भी कहा था कि वो एरियाज जो सेंचुरीज या पार्क्स के आगे पीछे या एडजॉइनिंग एरियाज हैं, या आप कह सकते हैं कि बफर एरियाज हैं या ट्रांजिशन एरियाज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस नेशनल पार्क के या सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है कंजर्वेशन रिजर्व अगर वो सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स के एडजॉइनिंग है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व्स, जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं उसको भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। मान लो कि अगर कोई एक ट्राइबल कम्युनिटी उस एरिया में है तो उनको कंसल्ट करके उनके प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, वो उस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद इस एक्ट के अंदर ही फॉर्मेशन हुई थी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की। तो इसमें जो भी इंडिया में वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उनको कम्बैट करने के लिए ये ब्यूरो की फॉर्मेशन हुई। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, स्केड्यूल्स जो हैं इस एक्ट के, तो इस एक्ट में 6 स्केड्यूल्स हैं। सबसे पहला जो है स्केड्यूल 1, उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कवर किया गया है जिनकी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें चाहिए, ठीक है। और अगर इनका वायलेशन होता है तो यहाँ पे बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा रखी हुई है, वायलेशन के लिए पेनल्टीज बहुत ज़्यादा रखी गई हुई, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं, जो भी स्केड्यूल में स्पीशीज़ हैं, उनका जो हंटिंग है वो प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट अगर कि वो किसी ह्यूमन की लाइफ को थ्रेट है, ठीक है। अगर किसी ह्यूमन लाइफ पे रिस्क है तो आप इसको, जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, वो परमिशन दे सकते हैं कि इस एनिमल को आप हंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ के इस स्केड्यूल 1 में जो स्पीशीज़ हैं इनका ट्रेड बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे टाइगर है, हॉर्नबिल है, ब्लैक बक है, ब्लू व्हेल है, इंडियन गैजल है, डॉल्फिन है, ठीक है। स्केड्यूल 2 में जो एनिमल्स हैं वो भी हाईली प्रोटेक्टेड हैं और इनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है, और हंटिंग यहाँ पे भी प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट अगर वो थ्रेट पोज कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ पे, ठीक है। इसमें एनिमल्स जो हैं, कोहिनूर है, बंगाल हनीमून लंगूर है, लार्ज इंडियन सिविट है, फ्लाइंग स्क्वेरल है। स्केड्यूल 3 और 4 में वो एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है। हालांकि अगर आप वायलेशन करते हैं आपको पेनल्टी जो है वो कम पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 2 स्केड्यूल्स, क्योंकि फर्स्ट 2 स्केड्यूल्स जो हैं उसमें जो एनिमल्स हैं वो हाईली प्रोटेक्टेड हैं, एंडेंजर्ड है, ठीक है। इसमें जो एनिमल्स हैं उसमें हाइना, हिमालयन रैट, पॉर्क्यूपाइन, फ्लाइंग फॉक्स, मालाबार ट्री टोड एक्सेट्रा, आपको ये एनिमल्स मिलेंगे। स्केड्यूल 5 में वो एनिमल्स हैं जिनको आप हंट कर सकते हैं, जैसे कि माइस, रैट, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो आपको एबंडेंस में मिलेगी। स्केड्यूल 6 में जो
लिस्ट है उसमें प्लांट्स को रखा गया है जिनकी कल्टीवेशन जो है आप नहीं कर सकते, ठीक है। पर्सनल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे आप उनकी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, ब्लू वेंडा, रेड वेंडा, कूथ एक्सेट्रा, ठीक है। रेड वेंडा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उसके साथ ही पिचर प्लांट भी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, बने रहिए साथ में, थैंक यू।